जो नूडल निकलती हैं। पहले होता था कि वो पूरे साल की नूडल्स एक ही दफ़ा बना के प्रिजर्व कर लेते थे, ये मार्केट में इतना ट्रेंड नहीं था। अभी पैकिंग वाली नूडल्स आ गई हैं यार। वो तो दिखाना, वो जो शॉपर थे दो, जब थके जो दस देना। ये देखें जी, ये आजकल मार्केट में ये इस तरह की अवेलेबल है, जिस तरह मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया था, बल्कि इसी तरह से दिखाता हूँ मैं उनके, क्योंकि ब्रांड प्रमोशन तो नहीं कर रहा। ये है, ये बारीक सेवियाँ, और ये इस तरह की, ये भी ये घरों में बन के, यानी काफ़ी बड़े लेवल पे इस तरह से पैकिंग करके ये मार्केट में सेल हो रही हैं। तो लेकिन इनमें सावधान है कि इसमें प्रिजर्वर्स भी होंगे। तो गाइस अभी मिल जाता है ये आटा वैसे चक्की से भी, लेकिन कुछ जगह पे है कि वो लाइक करते हैं कि मैनुअली ग्राइंड करके मकई का आटा बनाया जाए, और उसी की रोटी जो है ना वो उससे सेटिस्फेक्शन होती है उनको। तो अभी ये देखें ये अम्मा जी ये कर रही हैं, इसके बाद ये मकई की रोटी बनाएंगी। तो भाई ये देखें ये इतना बन गए, अभी इसको ये छानेंगे, इसमें जो ये इस तरह के हैं ये ग्रेन्स ये निकल आएंगे, और फाइन आटा जो है ना वो निकल आएगा बाहर। और ये फ्रेश साग है जी यहाँ का, ये थोड़ी देर पहले ये तोड़ के लेके आए, ये पालक है, ये पानी में बॉयल होगा, ये देखें। हर रीजन की डिफरेंट रेसिपीज होती हैं, उसमें एक ही चीज़ होती है जिसको डिफरेंट तरीके से पकाया जाता है। ये मकई का आटा है, ये जो मकई की रोटी होती है ये बच्चे या कुछ लोग, क्योंकि ये हार्ड होती है उनके लिए डाइजेस्ट होना बड़ी मुश्किल होती है, तो अम्मा जी जो है ना वो आज डिफरेंट तरीके से बना रही हैं। इसमें 50% मकई का आटा है और 50% इसमें गंदम है, और साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करते हैं। तो आई डोंट नो कि इस रोटी का टेस्ट कैसा होता है, मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो जब ये पकती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी बड़ा स्ट्रगल वाला काम है, जिस तरह से जब उबर रहा होता है तो इसको यूं यूं भी करना पड़ता है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो फिर ही जाके जो है ना ये थोड़ा मिक्सअप होता है, इन की कहते घोटना। अभी ये जी इसको अच्छी तरह वो ये करेंगी जो भी कर रही हैं, उसके बाद ये इसके जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर अलग से जो है ना देजकी में ये डाल के घी वगैरह इसको तड़का लगाया जाता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जो पूरे एक दिन में एक रेसिपी बनती है। ये आई है ताज़ा लस्सी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये पंजाब में जो है ना ऑल टाइम फेवरेट है। इसको पी के जो सुकून मिलता है ना, वो क्या पी के नहीं मिलता नूरदीन? हाँ जो भी होती है वो ज़बरदस्त टेस्ट है। हाँ सर ज़बरदस्त सही है। ये मेरे साथ साथ आसफ भाई जो है ना वो भी देसी फूड एंजॉय करते रहते हैं।
ये देखें गाइस, बॉयल करने के बाद ये नरम हो गई पहले वाली हालत, और साथ में इनको थोड़ा सा ये बटर भी लगाते हैं, आई डोंट नो कि क्यों लगाते हैं। सो गाइस, ये हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये इतनी बड़ी एक्टिविटी थी फुल डे की, एक तो फॉग की वजह से काफ़ी वीडियो भी लेट बनी। ये है जी मकई की रोटी, ये प्योर मकई नहीं है, इसमें हल्दी भी है 50%, इसमें आटा गंदम का और मकई है, और ये इस तरह का इसका टेक्सचर है, और ये नरम है। मकई की रोटी वैसे देखने में थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन ये थोड़ी सॉफ्ट है, और मैंने पहले चख के देखी है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। मक्खन और देसी शक्कर, ये नाश्ते में सर्व होता है, साग, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर, जो भी आप करना चाहें। बीच में ये बटर है, और ये नूडल्स हैं, इसमें शक्कर है और दूध है, और ये इनका टेक्सचर देखें। मेरा भी खैर सब्र नहीं हो रहा मुझसे तो, लेकिन मेरे कुलीग ने बता दिया कि पहले रिव्यू कर लें, उसके बाद फिर खाते हैं। वो काफ़ी भूख भी लगी हुई है क्योंकि सुबह से हम ये लगे हुए हैं। और ये आ गया नूरदीन, जो कि अक्सर मुझे वीडियोज़ में बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारा कुछ अरेंजमेंट इन्होंने किया है, इनकी बहुत मेहरबानी है। अभी भी एक हमारी चीज़ रह गई है, वो देखें ये सामने शक्करकंडी पड़ी है। हमारा प्लान था कि इसको भी हम जो है ना कोले में रख के ये पका के खाएंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि सनसेट में अभी सिर्फ 1-1.5 घंटा पड़ा है। ये है जी गरम गरम साग विद बटर, मकई की हाइब्रिड रोटी, हाइब्रिड कह सकते हैं आप, रियली अमेजिंग, समथिंग डिफरेंट है, और काफ़ी माउथ वाटरिंग है टेस्ट, क्योंकि रोटी ये मिक्स है और साथ में ये साग है। गाई इस तरह की नूडल्स ये मैं ना किसी के सामने खाता नहीं हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़ा बदतमीज़ बंदा है, तो इसलिए मैं एक साइड पे मुंह करके ये देखिएगा, ये मैं खाऊंगा, आधी मुंह से बाहर आएंगी और आधी जो है ना अंदर चली जाएंगी। नूरदीन तेरे से थोड़ी तमीज़ है मुझे ज़्यादा, असल में मेरा मुँह बड़ा है ना, तो वो सारी एक ही दफ़ा अंदर चली जाती हैं, तुम्हारा मुँह छोटा है। सो गाइज़, ये इसी विलेज का एक बाहर छोटा सा ये फार्म था, यहाँ पे बड़े फ्रेश अमरूद लगे हुए,
आजकल क्योंकि ये सीज़न है इनका, तो ये फॉग की वजह से देखें ऊपर पानी पानी है। और यहाँ के जो अमरूद है बड़े ये मज़े के होते हैं, और ये क्योंकि चोलिस्तानी एरिया है, थोड़ी सी ज़मीन मेरा ज़मीन है और बाकी यहाँ पे सैंड है, धुंध पैन नाल खराब खरूब तो नहीं जी? नहीं ठीक ने। हाँ जी सगों सही होंगे, मोटे होंगे, मोटे हो जाते। हाँ जी मोटे हो जाते। किन्नू नू भी फायदा होंगे? हाँ जी किन्नू नू भी फायदा, अमरूद नू भी फायदा। पत्तों की नर्सरी का जी, पत्तों की तो आओ तो मशहूर है नर्सरी। हाँ जी ते ये किन्ने के लगते एक पौधे नू? ये तकरीबन मान डेढ़ मान, कईयां नू फल लगा है कईयां नू हुण चुक रहे फल जी। ते इधर सेल किथे करदे हो? मंडी? यजमान मंडी जी। मंडी च ले जांदे हो? हाँ जी। ते इहदा की मन दा हिसाब हुंदा या पेटी दा? टापी दा हिसाब जी। ओड़ी एक बकड़ जी बनी हुंदी सही? किन्ने दी जा रही हो? ओ 1900 दी, 800 दी, 1000। ये देखे जी, ये इस फार्म के ओनर, और इन्होंने एक अमरूद जी मुझे गिफ्ट की है। ये चैना गोला है जिदा किस्म दी। चैना गोला? हाँ जी। सख्त नहीं है, गल मीठा है और रिच टेस्ट है। यहाँ पे तो मुझे यहाँ की एम्बियंस ही बड़ी अच्छी लगती है, दिल करता बंदा इधर ही रहे सारा दिन। ये गाय जितने अमरूद लगे हुए, दिल करता बंदा ना तोड़ता जाए।